हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ड्रॉ विद हिना यादव। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज, जिसे बोला जाता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ओके, अब आपको क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा, ये आपको हमेशा लर्न करके आना है। इट इज़ फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फार्मूला, sec थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन cos थीटा। ओके, थर्ड फार्मूला, cosec थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन sin थीटा। ये बेसिक फार्मूला है, इसके साथ कुछ और फार्मूला है वो मैं दिखा देती हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी। फिफ्थ फार्मूला देखते हैं हम, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। आप जब भी वन प्लस tan स्क्वायर थीटा करोगे तो वो sec स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, सिक्स्थ फार्मूला देख लेते हैं हम, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। वन प्लस cot स्क्वायर थीटा करोगे तो वो cosec स्क्वायर थीटा है। ये बेसिक फार्मूलाज है, ये आपको लर्न रहना चाहिए। ये तो आपको ऐसे तो नाइन्थ में ही सिखाया जाता है, बट अगर आपको नहीं आता तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए, और ये ज़रूरी है क्योंकि नाइन्थ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाता है और लेवल्स का मतलब आगे जितना पढ़ाई करो हर जगह पे लगभग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ आती है। ओके, तो ये बेसिक फार्मूला इसको ज़रूर याद रखिए। अगर ये आपको याद रहेंगे तो आप इजीली सम सॉल्व कर सकते हैं नाइन्थ के हो, और टेंथ में थोड़े और फार्मूलाज रहते हैं, मैं इसको आपको आगे करा दूँगी। एंड देख लेते हैं सेकेंड, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ओके, अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ओके, आपको एंड सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। इसको आप सिंपली याद रखोगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ओके, अब इसको याद करने के लिए मतलब ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, मतलब फर्स्ट में ऑल मतलब सब पॉजिटिव रहेगा, सेकंड में स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स साइन, तो साइन सिर्फ इसमें पॉजिटिव रहेगा, थर्ड में टेक, टेक में टी आया तो मतलब टेन, टेन में इस थर्ड क्वार्टर में टेन पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो साइन और कॉस है वो नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही सेकेंड में भी जो टेन एंड कॉस रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। उसी तरह फोर्थ में अगर कॉफ़ी था तो इसलिए कॉस, तो कॉस में यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहेगा एंड साइन टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेंगे। इसको आपको लर्न करके रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी देख लेते हैं कौन सा प्लस कौन सा माइनस, मैं आपको चार्ट बना के देती हूँ। क्वाड्रेंट साइन कॉस एंड टेन। ओके, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा क्या था, ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 मतलब प्लस साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या था, साइन पॉजिटिव, मेरा साइन पॉजिटिव रहेगा और अदर कॉस एंड टेन निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टेन था तो मेरा टेन पॉजिटिव होएगा और साइन कॉस निगेटिव होएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव था, कॉस पॉजिटिव था, तो जहाँ पे कॉस है वहाँ पे पॉजिटिव और अदरवाइज दोनों निगेटिव। ओके, तो ये आपको हमेशा लर्न करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है, आपको ज़रूर हेल्प होगी इससे। आप इसको लर्न कर लीजिए, चार जितने भी फार्मूलाज मैंने बताए ये सब बेसिक फार्मूलाज है, हर किसी को ये आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का सम सॉल्व करने से पहले, आप भी ज़रूर लर्न कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।